नमस्कार, सुपर फास्ट इंडिया एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में कनिका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मेरठ में दबंगों के हौसले काफी बुलंद हैं। दबंग राह चलते किसी को भी जमकर पीट देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। इस तरह ही दबंगों का शिकार मेरठ में एक प्रोफेसर हो गए हैं, जिन पर जमकर लाठी डंडों से प्रहार किया गया और दबंग उनको घायल करके मौके से फरार हो गए। ये पूरी वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस अब जांच में जुटी है। दरअसल मेरठ के थाना लालकुर्ती क्षेत्र के छिपी टैंक पर सुभारती यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और दिन दहाड़े उनकी लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर डाली। बदमाश तब तक प्रोफेसर पर प्रहार करते रहे जब तक भीड़ ने उनको नहीं खदेड़ दिया। प्रोफेसर घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर खड़ी भीड़ आरोपियों के पीछे दौड़ पड़ी, जिसको देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। उधर प्रोफेसर को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जबकि आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अभी प्रयास कर रही है। जबलपुर के ब्लूम चौक इलाके में एक बुलेरो और ऑटो में आमने सामने भिड़ंत के बाद ऑटो चालक और उसके साथियों ने बुलेरो सवार पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में उदय के हाथ में गंभीर चोट पहुंची, उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उदय जबलपुर में एक निजी कंपनी में काम करते हैं और वह कंपनी के काम से पीडब्ल्यूडी ऑफिस गए थे। इसी दौरान घटना हुई। ओमती पुलिस ने घटना के बाद मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस ऑटो चालक और उसके साथियों का पता लगा रही है। ये जबलपुर हॉस्पिटल के इसी रास्ते से जा रहे थे और रेड बत्ती के पास ये ऑटो आगे जा रही थी, हम पीछे थे। उसने अचानक ब्रेक मारा तो हल्की सी गाड़ी टच हुई है। टच होने में वो बहसबाजी करने लगे, बोले थाने चलो। तो हमने कहा चलो थाने चलते हैं। थाने जाने के लिए बोलने लगे तो बोले हमने पूछा कहाँ रहते हो, कौन हो। हमने अपना एड्रेस बताया, बोले कंपनी वाले हो। दारू की रखी थी साहब, चारों ने चार लड़के थे, एक बुजुर्ग था और चार लड़के थे। तो ऑटो वाले ने चाकू मारी, किसने मारी चाकू? ऑटो वाले ने साहब। गाड़ी का नंबर देख पाए? गाड़ी का नंबर नहीं देख पाए। ये जो घायल हैं कौन है? घायल हैं जो कौन? ये हमारे साहब हैं। क्या नाम है इनका? इनका उदय जी। उदय सिंह नाम है इनका। उनका नाम बताओ। उदय सिंह। क्या काम करते हैं? कोई चाकूबाजी की घटना हुई थी? हाँ, ये उदय सिंह करके हैं। ये किसी ऑटो से भिड़ गए थे तो दो लोगों ने इनको ब्लूम चौक के पास में चाकूबाजी की। मुद्दा ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यहाँ पे एक रोड कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, उसमें काम कर रहा है। इनकी रिपोर्ट पर 324 और अन्य सपड़े धाराओं का मुकदमा कर दिया। कौशाम्बी जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज एसपी कौशाम्बी का घेराव किया। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष खड़क सिंह ने चायल के बीजेपी विधायक संजय गुप्ता के दबाव में प्रशासन द्वारा ग्रामीणों के ऊपर फर्जी मुकदमे में फंसाने और जेल भेजने का आरोप लगाए हैं। लोगों ने एसपी कौशाम्बी प्रदीप गुप्ता की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र के रसूलपुर गिरसा में बीती 19 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा और पथराव के बाद कोखराज पुलिस द्वारा हुई एक तरफा कार्यवाही को लेकर आज पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार, लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव महमूद आलम और जिला अध्यक्ष खड़क सिंह सहित जिले के तमाम समाजवादी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने एसपी का घेराव किया। अध्यक्ष जी, किस लिए आज एसपी साहब से मिलने आए थे और क्या मांगे थे आप लोग? 19 तारीख को अक्टूबर को सिरातू तहसील के गिरसा गांव में तालाब में मूर्ति विसर्जन गिरसा गांव के लोग आए थे, अगल बगल के लोग आए थे, भरवारी कस्बे के भी बहुत से लोग मूर्ति को लेकर आए, जबकि वहाँ की मूर्ति का अलाटमेंट यहाँ विसर्जन का नहीं था। वहाँ के स्थानीय नेता और भाजपा के विधायक संजय गुप्ता के सहयोगियों द्वारा वहाँ नाजायज तरीके से पहले बच्चों पर, जो महिलाएं थी उन पर छींटा कसी हुई, उसी को लेकर के थोड़ा सा विवाद बढ़ा और इसके बाद वो एग्रेसिव हुए और उनके गनर ने हवाई फायरिंग किया, तो दूसरी तरफ से भी लोग एग्रेसिव हुए, उसी बीच दोनों तरफ से ईंट पत्थर चले, दोनों तरफ के लोगों को चोट आई। जैसे हम लोगों को मसले की जानकारी हुई, मैंने एसपी से, इंस्पेक्टर कोठार से बात किया, उन्होंने एक पक्षी कार्रवाई किया, गिरसा के कई लोगों को फंसा दिया और उनको जेल में भेज दिया। दूसरे पक्ष की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम लोग समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता पूर्व सांसद शैलेंद्र जी, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले
और ये कहा कि उनकी जब मेडिकल व्यू हुई है, उनको जेल भेज दिया है, तो उनकी भी FIR करके जो वैधानिक कार्रवाई हो उसको करें। और इस तरह से जो एक सार्वजनिक पर जिम्मेदार विधायक द्वारा समाज में जाति हिंसा फैलाने की नापाक कोशिश की गई, उनकी हरकतों पर अवश्य विराम लगे, वरना कौशाम्बी में जाति हिंसा फैल सकती है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले के नारौली में कबड्डी और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्र के सभी खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के निर्वाचन सोनू, रिंकू राठी और मास्टर कृपाल उपस्थित रहे। नरौली गांव के खिलाड़ियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और चोना गांव के खिलाड़ियों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कौशाम्बी के सराय अकिल थाना इलाके में अनियंत्रित हुए ट्रैक्टर से कुचलकर एक किशोर की मौत हो गई। किशोर विकास अपने छोटे भाई आकाश को साइकिल पर लेकर डॉक्टर के पास इलाज कराने ले जा रहा था। इस घटना से नाराज ग्रामीणों ने किशोर का शव सराय अकिल कनाली मार्ग पर रखकर जाम लगा दिया। घटना की जानकारी होते ही सराय अकिल सर्कल के CO ने 3 थाने की पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे। ग्रामीणों के कब्जे से आरोपी ट्रैक्टर चालक को अपने कब्जे ले लिया और शव को कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे पुलिस को नाराज लोगों ने शव देने से ही मना कर दिया, पहले मुआवजा दिया जाए इसकी मांग की। एक्सीडेंट का क्या है पूरा मामला प्रकरण बता दीजिए। एक्सीडेंट बच्चा जा रहा था, काका थे पुराने खोपा का बच्चा, वो नए खोपे में जा रहा था दवा के लिए, उसके छोटे भाई का बुखार था, वो दवा के लिए जा रहा था, तेज रफ्तार में ट्रैक्टर आ रहा था, उसने एक्सीडेंट कर दिया, लड़के की मौके पर ही मौत हो गई है। आपका नाम? मेरा नाम शिवली उर्फ छोटू। ये यहाँ मामले में पता लगाएगी या जाम वाम लगाया गया, क्या मांग है आपकी जाम के बारे में? मांग हमारी अभी कोई डिसाइड नहीं हुई, अब उसके पिता आने के बाद ही डिसाइड होगा कि क्या मांग है।